मुझे उस कैब की डिटेल चाहिए पूरी पूरी। कौन सी? वो जो तूने 15 तारीख को बुक करी थी। वो आप तो मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि फोन की मेमोरी फुल हो गई थी। हाँ तो फिर डाउनलोड कर ले, जैसे ही तू उसे लॉगिन करेगी उसमें सब कुछ दिख जाएगा जैसे दिखेगा। क्या घुस गया है तुम्हारे दिमाग में? और वो कैब तो मुझे पार्लर वाली ने करवाई थी। पार्लर तू गई थी और वो जो कैब करी है वो पार्लर वाली ने करी है। नहीं वो एड्रेस समझ नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए उसी ने कैब बुक की थी। हाँ तो उससे कंफर्म करवा दे, एक बार उससे पूछवा दे कि ऐसे ऐसे मैं गई थी, मैं विश्वास कर लूंगा, फोन कर उसे। ये सब करने आए हो तुम यहाँ पर? गलत समझ लिया उस लेडी ने। अरे उसने गलत समझ लिया तो तू अपने आप को सच दिखाने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? तू साबित कर दे एक बार। अब कौन सा प्रूफ मिल गया तुम्हें? तूने क्या बोला था मुझसे कि 7 घंटे आने के लगते और 7 घंटे जाने के, 14 घंटे हो गए पूरे। और मैं मान लूँ कि तू 14 घंटे सफर करके ना आई हो तो फ्लाइट से भी आ सकती है, कुछ कह सकता हूँ? तो तुम रिसेप्शन पे पूछ लो ना नीचे जाके। रिसेप्शन पे तो फेक आईडी भी दे सकते हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने यहाँ की फ्लाइट ली, मैं किसी और के साथ आई और मैंने रिसेप्शन पे अपनी फेक आईडी दी? अगर ऐसा नहीं है तो तू प्रूफ कर दे कि हाँ मैं नहीं आई थी 15 तारीख को, तू कहाँ थी? मुझे बस इतना पता लगाना है कि तू कहाँ थी 15 तारीख को, एक बार प्रूफ कर दे, मैं विश्वास कर लूंगा। मैं बहस ही नहीं करूंगा, इतनी देर क्यों बहस कर रहा हूँ मैं? मतलब मेरी किसी भी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ नहीं है मुझे यकीन, तो एक बार उससे बात करवा दे, मैं यकीन कर लूंगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। फोन मिला एक बार उसे। हेलो, स्पीकर पे डाल। हेलो दीदी, मैं पिछले महीने आई थी ना आपके पास फेशियल ब्लीच वैक्स वगैरह के लिए। हाँ तो क्या आप मुझे डेट चेक कर बताओगे कि मैं किस डेट को आई थी आपके पास? किस तारीख को आई थी ये तो बिल में देखना पड़ेगा। हाँ तो फिर देखो एक बार। क्या हुआ वैसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो यहाँ एक इशू आ रहा है तो उसकी वजह से डेट पूछनी थी। अच्छा देखती हूँ। तुम्हारा बिल बना है 21 तारीख को है? हाँ। मैं 21 को आई थी? हाँ सोनिया बेटा, 21 को बनाया है तुम्हारा बिल। हाँ इसमें क्या हुआ? 21 को गई है तू पार्लर, 15 को कहाँ गई थी? सोनी 21 को गई थी तू, 15 को कहाँ गई थी? मुझे इतना बता दे बस। यार मुझे नहीं है याद, लेकिन पर मेरे हिसाब से मैं 15 को ही गई थी पार्लर। देख तू मुझसे झूठ बोल रही है मुझे पता है, और जितना तू झूठ बोल रही है ना गोल गोल, इसमें गोल गोल में ही फंसी चली जाएगी। आई बात समझ में? तो झूठ तो कभी छुपेगा नहीं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो औरत झूठ बोल रही है, वो पागल है, वो यहाँ पर काम कर रही है, वो पागल है। वहाँ के जितने भी लोग के स्टाफ है, यहाँ पर जो जितने भी लोग स्टाफ काम कर रहे हैं, ये सब पागल है, हम अकलमंद है। तू मत छुपा यार मेरे से, मत छुपा, बता रहा हूँ मैं तुझे, जितना छुपाएगी ना इतनी लंबी कहानी बनेगी। अरे मुझे क्या मालूम है यार। तू एक काम कर, सामान पैक कर जितना भी है ठीक है, और घर चल रही है, अब सीधा घर पे बात होगी। और जब तक तू छुपाएगी ना, जब तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, जब तक मेरे रिश्ते में बिल्कुल दरार रहेगी, ये बात याद रखियो तू ठीक है? वो वाला रिश्ता नहीं बनेगा पहले जैसा। चल घर बात होगी, चल चल चल। हेलो। हाँ बोल। सुनो वो हमारे बेडरूम में ना मेरा पर्स रखा है, वो भाई को दे देना। तेरा भाई आया है? हाँ आ रहा है वो। ठीक है दे रहा हूँ।
उठा ले सोनी कॉल उठा।